हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप जानते हैं कि त्योहारों का समय आ रहा है, मेहमान घर पे आते हैं तो हम बाज़ार जाते हैं, हज़ारों की मिठाई लाते हैं, लेकिन वो टेस्ट नहीं रहता है क्योंकि आजकल हर मिठाई में मिलावट आ रहा है। तो क्यों ना हम मिलावटी चीज़ से बचें और घर पे ही बनाइए। कलाकंद की मिठाई मैंने बनाई है, वो भी 15 मिनट में, बिना मावा, बिना चाशनी, बिना घी के, इतनी स्वादिष्ट, सॉफ्ट की पूछिए मत। चलिए, हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। सना ब्लॉग में आपका स्वागत है। आज आपकी सना अपने ब्लॉग में आपका स्वागत करती है एक नई रेसिपी के साथ। तो रेसिपी कौन सी है, चलिए बताते हैं उसको कैसे बनाते हैं। तो कलाकंद की मिठाई बनाने के लिए मैंने यहाँ पे आधा लीटर दूध ले लिए, आप चाहे तो 1 लीटर भी ले सकते हैं। तो मैं आधा लीटर दूध में आपको बना के दिखाऊंगी, देख सकते हैं। और मैंने इसको बॉयल करने के लिए अच्छे से इसको गैस पे रख दिया है, ये अच्छे से ये बॉयल हो रहा है। पहले से मेरा ये बॉयल दूध है, मेरा दूध बॉयल हो रहा है, तब तक मैं एक काम कर लेती हूँ। मैंने एक बाउल में थोड़ा सा दूध लिया है, उसमें मैंने 2 चुटकी हल्दी मिलाई है, देख सकते हैं। 1 चुटकी मैंने डाली, कम पड़ गई, तो मैं 2 चुटकी डाली हूँ। इसका कलर काफ़ी अच्छा आना चाहिए। अगर आपके पास केसर नहीं है तो आप हल्दी से उसका कलर दे सकते हैं, क्योंकि सारे हलवाई इतनी सारी मिठाई बनाते हैं तो केसर का इस्तेमाल नहीं करते। ये नुकसानदायक भी नहीं है, ये फ़ायदेमंद ही है। तो मैंने इसको एक तरफ रख देना है। अब मैं देखती हूँ मेरा दूध बॉयल हुआ या नहीं। तो मेरा दूध काफ़ी अच्छे से आधा बॉयल हो चुका है। अब मैं इसमें चीनी ऐड करने जा रही हूँ। चीनी मैंने 2 चम्मच ऐड किया, वो भी बड़े चम्मच से, जो खाते हैं रेगुलर में खाना में वही चम्मच से। अगर आपका 1 लीटर दूध है तो आप 4 चम्मच चीनी ऐड कर सकते हैं। कम मीठा अपने हिसाब से आप रख सकते हैं, कितने लोग कम खाते हैं, कितना ज़्यादा खाते हैं, वो अपने आप हिसाब से रखिए। तो 2 चम्मच चीनी बड़े चम्मच से डालिए, इसका मीठा काफ़ी एकदम फिट आएगा। तो देख सकते हैं मेरा दूध बॉयल अच्छा से हो गया है। तो मैं कम से कम 2.5 ml दूध कटोरी में इसको अलग निकाल रही हूँ उसमें से। अब इसका क्या करना है मैं आपको आगे बताऊँगी, ये मेरे बहुत काम में लाएगा दूध। तो अब देख सकते हैं मैं दूध निकाल लिया है, मैं इसको अच्छे से अभी और बॉयल करूँगी। कम से कम ये 10 मिनट तक इसी में ये हो बनेगा। और मैं इसमें 2 कप मिल्क पाउडर ले ले रही हूँ, देख सकते हैं। ये छोटी कटोरी से मैंने मेजरमेंट किया है। इसे डालने के बाद आप इसको अच्छे से मेल्ट कर दीजिए, इसको अच्छे से, जितने अच्छे से चलाएँगे वो काफ़ी अच्छे से इसको चलाना है, रुकना नहीं है, वरना इसमें लम्स पड़ जाएंगे। तो देख सकते हैं अब वो जो दूध हल्दी वाला था उसका कलर के लिए मुझे इसमें ऐड कर देना है, ताकि अच्छा से इसमें कलर आ जाए। तो मुझे इसको डाल के अच्छे से मिला लेना है, देख सकते हैं। अब मेरा रबड़ी वाला दूध अच्छे से तैयार हो रहा है, अब इसमें अच्छा काफ़ी थिक बन रहा है। तो देख सकते हैं अब मुझे इसमें 1 दिन की मैं मलाई ले रही हूँ, 2 बड़े चम्मच से मैं इसमें ऐड कर दे रही हूँ। ये 1 दिन की मलाई है, तो 2 चम्मच बड़े चम्मच से मैं डाल रही हूँ। अब देख के इसमें मैंने मलाई ऐड कर दिया, इतना अच्छा मलाई का स्वाद आएगा इसमें, इतनी अच्छी गाढ़ी रबड़ी बन के तैयार होगी इतने ही दूध में, कि मैं आपसे कह नहीं सकती हूँ कि आप बाज़ार का खाना भूल जाएंगे एक बार अगर आप ऐसे इसको बनाएंगे। तो आप देख सकते हैं मेरा दूध गाढ़ा हो गया है, काफ़ी अच्छा थिक हो गया है। तो इसको मैं अच्छे से चलाते हुए, देख लीजिए मेरी रबड़ी अच्छे से तैयार है। अब मैं इसको इसमें डालूंगी 1 चम्मच छोटी इलायची, उसको मैंने पीस के रखा था। इसका स्वाद काफ़ी अच्छा आएगा, एकदम बाज़ार से भी बढ़िया आएगा। तो मैं इसको ठंडे होने के लिए रख देती हूँ, तब तक मैं अपना दूसरा काम कर लेती हूँ। इसमें मैंने 9 ब्रेड ली है। अब मैं इसके साइड का भाग पूरा निकाल देती हूँ। साइड का भाग निकालना कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन हमारा कलाकंद अच्छा नहीं लगेगा, इसीलिए मैं इसको निकाल रही हूँ। देख सकते हैं मेरा ब्रेड, मैंने ब्रेड का 4 बर्फ का निकाल लिया ब्राउन भाग। अब मैं एक कंटेनर ले रही हूँ, आपके पास जो भी बर्तन अनेबल है आप ले सकते हैं। तो मेरे पास ऐसा डब्बा था तो मैंने ले लिया है। अब मैं इसमें जितनी रबड़ी थी मैं हल्का हल्का करके उसको अच्छे से फैला लूँगी, ताकि ब्रेड में नीचे से सूखा पड़ना रहे। तो देख सकते हैं मैं अच्छे से इसको फैला रही हूँ, और मैं एक एक करके पूरे ब्रेड को उसको इसी के ऊपर मुझे अच्छे से रख लेना है, इधर उधर नहीं होना चाहिए, मैं अच्छे से उसको रख ले रही हूँ। ये मिठाई आप बनाइए, आप बाज़ार की भूल जाएंगी, इतनी अच्छी कलाकंद मिठाई तैयार होगी, वो भी 15 मिनट में, बिना मावा, बिना चाशनी, बिना घी के, देख सकते हैं कम सामग्री से भी। वो जो दूध रखा हुआ था अब मैं उसका इस्तेमाल कर रही हूँ। अब देख सकते हैं मैं वो जो दूध था अब उसके ऊपर से मैं डालूँ, क्योंकि अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेगा। तो मेरा एकदम जो कलाकंद की मिठाई है सॉफ्ट सॉफ्ट एकदम मुलायम होगी, सूखा नहीं लगेगा, क्योंकि हमारी रबड़ी ज़्यादा है नहीं, कम है, तो इसके लिए मुझे दूध का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। अगर आपके पास ज़्यादा रबड़ी है तो आप डाल सकते हैं, तो हमारे पास रबड़ी थोड़ा था तो इसीलिए मैं उस हिसाब से जुगाड़ से ही हमको काम करना है, क्योंकि हमारी मिठाई भी अच्छी बननी चाहिए, स्वादिष्ट भी बननी चाहिए। देख सकते हैं मेरे सारा दूध इसके ऊपर अच्छे से उसको डाल दिया है। डालने के बाद अब मुझे जो दूसरा लेयर है, अब मुझे उसको उसमें से अब रबड़ी का मुझे फैलाना है, ताकि अच्छे से इसमें अंदर घुस जाए। इतनी अच्छी रबड़ी बन के तैयार होगी कि मैं आपसे कह नहीं सकती। देख सकते हैं सारा मैंने रबड़ी है पूरा, मुझे अच्छे से इसको ऐसे परत से बाहर लगाना है, तो कहीं भी बाकी ना रहे, मुझे अच्छे से इसको फैला लेना है। देख सकते हैं
क्योंकि इतनी रबड़ी बनाने, इतना कलाकंद की मिठाई बनाने के लिए हमें कम से कम 4 या 4.5 लीटर के दूध की ज़रूरत पड़ती, तो हम अपने दिमाग से, जुगाड़ से, घर के ही सामान से हमें अच्छी रबड़ी मिल के तैयार हो रही है, तो क्यों ना हम घर पर बनाएं। तो देख सकते हैं मैंने अच्छे से उसको फैला लिया है, तो अब मैं इसको फ्रीज़र में रखने जा, देख सकते हैं मैं चम्मच की सहायता से पूरा अच्छे से उसको सेट कर दिया है, कहीं भी आपको ब्रेड दिख नहीं रही होगी। और मैं इस पर ड्राई फ्रूट डाल रही हूँ, अगर आपके पास चेरी है तो आप चेरी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, मेरे पास ड्राई फ्रूट अनेबल था तो मैंने इसको डाल दिया है, आप बाद में भी डाल सकते हैं। तो देख सकते हैं मैंने चारों तरफ से इसको अच्छे से ड्राई फ्रूट करके अच्छे से तैयार कर लिया है। अब हमारी कलाकंदी मिठाई अच्छे से सेट हो गई है, तो अब मुझे इसको कम से बंद करके अच्छे से मैं मिला दी हूँ, अब मुझे इसको कम से कम 2 घंटे के लिए फ्रीज़र में रख देना है। देख सकते हैं अब मैं इसको फ्रीज़र में रख दूँगी ताकि अच्छे से सेट हो जाए, अब 2 घंटे के बाद मैं आपको दिखाऊँगी। अब देख सकते हैं मेरा 2 घंटा हो गया है और मेरी कलाकंद की मिठाई कितनी अच्छी, सॉफ्ट, एकदम मुलायम तैयार हुई है ना, बाज़ार जैसी एकदम मिठाई। क्या बाज़ार का भी भूल जाएंगे अगर आप ऐसे जुगाड़ से अगर बनाएंगे, इसमें आपके पूरे परिवार भी खा सकते हैं। तो देख सकते हैं मैं आपको चाकू की सहायता से आपको काट के दिखा रही हूँ, कितने अच्छे से ये कट रही है, देख सकते हैं, आपको कटने से पता चलता होगा कि कितने अच्छे से ये सेट हो गई है कलाकंद की मिठाई। इसके लिए कम से कम हमको 4-4.5 लीटर दूध लगता है, तो मैंने 1/2 लीटर में पूरे परिवार को खाने के लिए इतनी टेस्टी स्वादिष्ट कलाकंद की मिठाई तैयार करके दिखाई है। तो देख सकते हैं अच्छे से मेरी मिठाई कट गई है, तो आपको कलाकंद की मिठाई कैसी लगी? बाजार जाने से अच्छा है कि घर पे ही शुद्ध अपने हाथ से अच्छी बिना मिलावट की अच्छी मिठाई खाएं, अपने बच्चों को खिलाएं। देख सकते हैं कितना सॉफ्ट है, मुलायम, अब देख को आपको पता लगता होगा कितनी अच्छी मिठाई बनके कलाकंद की स्टार्ट हुई, वो भी 15 मिनट में। तो मेरी मिठाई आपको कैसी लगी? इंशाल्लाह आपको अच्छी लगी होगी, तो आप देख सकते हैं। तो मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।